उमनौर स्थानीय एचआर कॉलेज में पुस्तकालय भवन और पुस्तक संग्रह कक्ष का प्राचार्य ने किया विधिवत उद्घाटन। गुरुवार को कॉलेज के शिक्षक और शिक्षेत्र कर्मी सहित दर्जनों छात्र छात्राओं की उपस्थिति में उद्घाटन के पश्चात प्राचार्य ने कहा, कॉलेज के विकास को लेकर कॉलेज प्रबंधन हर हमेशा संवेदनशील और सक्रिय है। उसने कॉलेज के हर क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। छात्र छात्राओं के पठन पाठन की सुव्यवस्था हम सब की पहली प्राथमिकता है। बताया, विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में कॉलेज की चौमुखी विकास किया जा रहा है। छात्र छात्राओं के शैक्षणिक व्यवस्थाओं की सुदृढ़ीकरण, पठन पाठन की सुचारू व्यवस्था करने के साथ कॉलेज परिसर स्थित भवनों की स्थिरता कायम रखने को लेकर कार्य किए गए हैं। विकास की कड़ी में पुस्तकालय की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण बात है। अब गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। कोई भी किताब छात्रों को पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। पुस्तकालय का प्रभारी कॉलेज के हिंदी प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत कुमार को बनाया गया है। इस कॉलेज में एमए की पढ़ाई शुरू हो सकती है। इसके लिए यूनिवर्सिटी को प्रस्ताव भेजा गया है। लंबे समय के बाद लाइब्रेरी बंद पड़ा हुआ था, जिसमें आज इसका डेंटिंग पेंटिंग के बाद उद्घाटन हुआ और हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर रंजीत कुमार जी को इसका प्रभार दिया गया। अब लाइब्रेरी की देखरेख करेंगे और व्यवस्थित करेंगे, बच्चों को किताब का लेन देन करेंगे और सुचारू ढंग से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी। लाइब्रेरी सुदृढ़ ढंग से चलता रहेगा। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर विजय कुमार प्राचार्य। प्राचार्य, थैंक यू सर।